हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मेरे गार्डन में कोलियस प्लांटेड है वो दिखाऊंगी। कोलियस एक टेंडर परिनियल या एनुअल प्लांट है जो कि आपके गार्डन में एक परमानेंट सा पॉपिंग वाइब्रेंट कलर ऐड करता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स और फोलियज। ये जो फर्स्ट वेराइटी, इसमें एक ब्राइट सा ग्रीन कलर है, जहाँ पर मिडवेन है वहाँ पर पर्पलिश ब्राउन कलर है और एज अ ग्राउंड कवर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सेकेंड वेराइटी है मेरी, ये एज यू कैन सी कितनी अच्छी हाइट में ग्रो कर रखी है, लीव्स भी कितने बड़े हैं और ब्राइट हैं, बुशी भी बहुत हो रखा है प्लांट। मैंने प्रूनिंग की है बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे हाइट में प्लांट चाहिए था। लीव्स कितने अच्छे मे के मंथ में भी कलर दे रहे हैं और कितना अच्छा ग्रो किया हुआ है इन्होंने। ये बहुत ईजिली कटिंग से लग जाते हैं, मैंने अराउंड 25 to 30 days पहले से ये कटिंग लगाई थी और देखो कितनी ईजिली विदाउट एनी रूटिंग मीडियम और फर्टिलाइजर ये ग्रो कर रखी है। ये वाले कोलियस के लीव्स में वेरिएशन कुछ इस तरह से है। कोलियस में आप एक बात ध्यान रखें कि ना, इसे हमेशा शेड में लगाएं। ट्रेडिशनल इट्स अ शेड प्लांट है, इसे बहुत तेज़ धूप अगर आप देंगे तो इसके एक तो कलर्स नहीं उभर के आएंगे, पत्तों में स्कॉर्चिंग या जल जाएंगे पत्ते और इवन ड्रूपिंग भी हो जाएगी, प्लांट अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा। इसे फिल्टर सनलाइट दे, जो सुबह की 2-3 घंटे वाली सनलाइट होती है। ये वाली फोर्थ वेराइटी है, इसमें पूरा लीव पिंकिश एंड पर्पलिश कलर का है और इसकी जो आप सॉइल देख रहे हैं, इसकी सॉइल हमेशा आप मॉइस्ट रखें। ये नेक्स्ट वेराइटी, इसमें गोल्डन येलो लीव्स का ब्राउन पर्पल के साथ वेरिएशन है। सॉइल जो आप रखेंगे ना, उसमें वाटर लॉग्ड या सॉगी नहीं रखना, बट रेगुलर वाटरिंग करनी है। ये नेक्स्ट वेराइटी है, इसमें भी पर्पल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और इसको ना बहुत ज़्यादा सर्दी, जो फ्रॉस्ट फॉग वाली होती है या फिर गर्मी में जून वाली, उसमें थोड़ी सी केयर चाहिए होती है। अदरवाइज एक बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है जो बहुत इजीली आपके गार्डन में लग जाता है।